हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे और पोस्ट मार्केट एनालिसिस बैंक निफ्टी की, और इस अपने ट्रेड के बारे में आपको बताएंगे मैंने ट्रेड कैसे लिया और मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि बैंक निफ्टी प्रीवियस डे जो है एक डे कैंडल में एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उस ट्रेंड लाइन को देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको कौन सी ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ से जो बन रही थी डेली, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आती थी और यहाँ से मार्केट गिरती थी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास से मार्केट गिरती थी। और नेक्स्ट डे जो है क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर बैंक निफ्टी ने एक 44,000 का रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके जाके क्लोजिंग दी। जब वहाँ पे क्लोजिंग दी, ये जो हमारा रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इसी के आसपास मार्केट आ रही थी तो मार्केट यहीं से डाउन हो जा रही थी। तो उसके दिन नेक्स्ट डे क्या किया कि इसने 44,000 का रेजिस्टेंस तोड़कर लगभग 44,100 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी गई। और नेक्स्ट डे क्या किया कि जस्ट जो है मार्केट ने गैप अप दिया, और गैप अप देने के बाद क्या हुआ, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई। जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो हमने वहाँ पे क्या किया, वेट किया। जैसे जब मार्केट ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, जैसा कि देखिए 5 मिनट में ही बिग कैंडल है, जो कैंडल है 5 मिनट की है, तो इसमें 5 मिनट में जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो एक बड़ी कैंडल बनाई। जब ये बड़ी कैंडल बनाई मैंने वेट किया कि क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव था तो जनरली यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था। जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो उसके बाद एक चीज़ दोस्त, मेरा ट्रेड लेने का तरीका होता है कि जैसे जानते हैं मार्केट मूव ऐसे होता है, हायर बनाएगा उसके बाद लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा। जब तक ये हायर हाई और लोअर लो और हायर हाई ऐसे लगता रहेगा तब तक मार्केट का मूव पता चलता है कि मार्केट अप साइड में है कि डाउन साइड में है, तो मार्केट का डायरेक्शन पता चलता रहता है। तो मैंने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पे एक हाई बना के और यहाँ पे एक लो लगाया था, फिर नेक्स्ट हाई यहाँ बनाया था, अब नेक्स्ट हाई के बाद एक लो लगना था, लेकिन मार्केट गैप अप होने के बाद आप समझ लीजिए इसका मूव यहाँ से यहाँ तक का, तो अब करेक्शन होना था, तो ए लो लगा यहाँ पे। जब ए लो लगा यहाँ पे तो एक चीज़ मेरे अंदर और क्या होती है कि जब लो लगेगा, अगर नेक्स्ट लो को नहीं तोड़ा, बताया ना कि इधर एक लोअर लगा इधर एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद फिर लो लगाया, फिर अब इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ तो मुझे कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ से अप साइड ही जाएगी, डाउन साइड तो नहीं आएगी क्योंकि बायर यहाँ पे मार्केट को होल्ड रख रहा है। एक चीज़ और था कि यहाँ पे मेरा देखिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी, प्रीवियस डे क्लोजिंग भाई 44,165 के आसपास थी, इस प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से मार्केट ने बाउंस मारा, बाउंस मारने के बाद फिर से देखिए आया और फिर से इसने जो लो बनाया उस लो को उसने ब्रेक नहीं किया। देखिए यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाने के बाद बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद फिर से यहाँ पे वैक मारा, लेकिन इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया। जब इस लो पर इसने ब्रेक नहीं किया तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। एक प्रकार देखे तो आप एक डब्लू पैटर्न बन रहा था, ये डब्लू पैटर्न, तो उससे बोलते डब्लू पैटर्न बना तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला। जैसे ये क्रॉस किया, इसका डब्लू का यहाँ पे क्रॉस किया तो मैंने अपने यहाँ ट्रेड यहाँ पे लिया। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया मुझे देखिए मार्केट में मूव आया, बहुत अच्छा खासा मूव आया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा प्रॉफिट मैंने बुक कहाँ किया, प्रॉफिट मैंने बुक किया यहाँ पे इसके प्रीवियस डे हाई, नेक्स्ट डे मतलब जो हाई बनाया आज का डे हाई जो था, इस डे हाई के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। इसके पहले मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, एकदम टोटल नहीं कि मैं 44,420 के आसपास बुक किया, इसी के आसपास बुक किया, मुझे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्राइस एक्शन का वेट ज़रूर करें, प्राइस बनने दें, उसमें क्या हो रहा है शुरू के आधे घंटे ज़रूर वेट करें, उसके बाद जो उस पर प्राइस एक्शन बने उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। मैं जल्दी से कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता क्योंकि इंडिकेटर, जब तक हम इंडिकेटर का वेट करेंगे तब तक ट्रेड छूट जाता है। तो बैंक निफ्टी में क्या एक रखता हूँ मैं, ओनली पी वेट रखता हूँ, जिससे उससे मुझे पता चलता है कि सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। उसके अलावा मैं अपना सपोर्ट और रजिस्टर लगा कर रखता हूँ। जैसे मैंने मार्केट ओपन होने के पहले ही मैंने अपना एनालिसिस कर लिया था, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मार्क कर लेता हूँ। जो मैंने प्रीवियस डे हाई को मार्क किया यहाँ पे था और प्रीवियस डे लो को मैंने मार्क कर रखा था, तो इससे पता चल जाता है। उसके बाद मैंने अपना टारगेट सेट रखा था कि 44,400 किसके पास रजिस्टर था, 44,500 नेक्स्ट टाइम मेरा टारगेट था 44,500 तक का, कि आज का जो मूव आएगा इस मूव को देख कर लग रहा था कि मार्केट का जो मूव आएगा वो आज का ऑल टाइम हाई को टच करेगा। तो
जैसे लेकिन मैंने प्रॉफिट अपना ये बुक कर लिया, बुक करने के बाद मैं पूरा दिन मार्केट को वॉच किया, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। दोस्तों, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दिन भर मार्केट में ट्रेड करते रहोगे तो जो आप आज प्रॉफिट बनाए हो सुबह का, वो शाम तक उसे आप जोड़ करके चले जाओगे। इसलिए जो ट्रेड लो आप, अगर फर्स्ट हाफ आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप उसे वेट करें, सेकेंड हाफ ट्रेड प्रयास करें कि सेकेंड हाफ ट्रेड बिल्कुल न लें। अगर आपको लगता है कि मार्केट मूव बहुत अच्छा है तब वहाँ पर वेट करें, अगर फुल कंफर्मेशन मिले आपको तभी लें। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, पैसा सब कमाते हैं मार्केट में, सुबह आपने कमाया और शाम को उसे जीरो कर दिया तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर सुबह आप 10,000 कमा रहे हो और शाम तक उसमें से अगर 5,000 बचा के ले जा रहे हो तो आप माना जाएगा कि आप एक अच्छे ट्रेडर हो। इसलिए मार्केट में पैसा कमाने आए हो तो पैसा कमाओ और पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट में आपको वेट करना आ गया, इंतज़ार करना आ गया, मार्केट को वॉच करते रहो, देखते रहो, जब आपको इंतज़ार करना आ गया तो आप मार्केट से 100% पैसा कमा के जाओगे। ये चीज़ को अगर आप सीख गए तो मार्केट में आप सक्सेस होगे। हम आशा करते हैं दोस्तों हमारे वीडियो से आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि बैंक निफ्टी का टारगेट कितना है और निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।